स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि एमपी डीएलएड की परीक्षा में संज्ञान अधिगम और बाल विकास जैसा विषय 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। सो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास, जहां आपको मिलेंगे डीएलएड के सभी कोर्स। जी हाँ, डीएलएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के सारा कोर्स अवेलेबल है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर दिया जा चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द्वितीय वर्ष एमपी डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय, जो की है संज्ञान अधिगम और बाल विकास। जी हाँ, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और इसकी पहली इकाई जो 10 नंबर के लिए पूछी जाती है, उस इकाई की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बिना समय गवाए आपको मैं इसका अंक विभाजन बताता हूं। जी हाँ, इसका अंक विभाजन है 10 नंबर के लिए। जी हाँ, ये जो पार्ट आता है टोटल 10 नंबर के लिए आता है। इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 नंबर के 3 प्रश्न, यानी कि वस्तुनिष्ठ, यानी कि 3 का 1 3 नंबर, 2 मास के 2 यानी कि 4 3 7 नंबर और 3 मास के 1-1 प्रश्न, यानी कि ये हो गया यहां पर टोटल 10 अंक। जी हाँ, 10 अंक आपको मिल सकते हैं इस चैप्टर के पढ़ाई करने से। और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लॉन्च करके आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और स्टूडेंट्स, प्लीज इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं और आप जानते हैं परेशानी, डीएलएड के छात्र को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, अपने सहपाठी और मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियो। और अगर आप इस तरह का पूरा कोर्स चाहते हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। फुल पेड कोर्स जो है अवेलेबल है एट वेरी लो कॉस्ट, बहुत ही कम पैसे में पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सबसे पहला प्रश्न कौन सा करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है सीखने अथवा अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। जी हाँ, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। कभी कभी छात्र कंफ्यूज होते हैं, पढ़ के जाएंगे अधिगम, लेकिन वहां प्रश्न पत्र में आ जाएगा सीखने की परिभाषा लिखिए और छात्र कंफ्यूज कि भाई सीखना पूछ दिया है, हम तो अधिगम पढ़कर आए थे, कंफ्यूज तो नंबर नहीं मिलते। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सीखना और अधिगम दोनों का अर्थ एक ही है, बस ये दोनों परिवाची शब्द है। अब एमपी बोर्ड जो है इतना बेवकूफ तो नहीं है, वो आपको सरल तो नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा फुरा के पूछेगा, क्योंकि आप सब बड़े हैं, आप सभी लोग शिक्षक बनने वाले हैं, तो ऐसा ही सवाल पूछेगा ना। इसीलिए कभी भी दोनों पढ़कर जाइएगा और सब कुछ जान लीजिए। कोई विषय आप पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बारे में संपूर्ण पढ़कर जाइए, उसकी परिवाची, परिभाषा, गुण, कारण सब पढ़कर जाइए भाई। तो चलिए, हमारा प्रश्न है सीखने अथवा अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तो चलिए हम बात करते हैं अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जी हाँ, जिस प्रकार से उत्तर पूछा है उसी भाषा में उत्तर भी दीजिए। उत्तर पूछा है अधिगम का अर्थ, तो हम क्या बोलेंगे, अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो हम लिखेंगे अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अब उसकी परिभाषा पूछा है, तो चलिए परिभाषित कर लेते हैं। अधिगम एक व्यापक शब्द है जो जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। अधिगम एक व्यापक शब्द है जो जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। व्यक्ति अपनी जन्मजात प्रति परिवर्तियों से जो क्रिया करता है, जो भी काम करता है, उसकी जन्मजात जब से पैदा होते हैं और जो सीखे होते हैं उससे जो जो काम करते हैं, वही हमारा क्या है, अधिगम है। व्यक्ति अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों से जो क्रिया करता है और नवीन परिस्थिति के संपर्क में आने पर, जी हाँ, नवीन परिस्थिति के संपर्क में आता है, इस प्रकार के स्वाभाविक व्यवहार, इस प्रकार के स्वाभाविक काम जो होते हैं, वह प्रगतिशील परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। गलत चीजें सीखने को अधिगम नहीं बोलेंगे भाई। हम पहले 100 तक गिनती याद थी, लेकिन 50 तक याद है अब सिर्फ, तो ये अधिगम नहीं है। 100 से 150 तक की गिनती याद है तो वो अधिगम है, यानी आगे बढ़ना, आगे तक सीखना, यह अधिगम कहलाता है। पुराना भूल जाना ये अधिगम नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए यहां बोला गया है प्रगतिशील परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो यहां पर आपके सामने है, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में पढ़ने में बड़ी आसानी हो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है स्मृति से क्या आशय है, इसका अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। जी हाँ, स्मृति क्या होती है, स्मृति, बुद्धि, मेमोरी, इंग्लिश में जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में मेमोरी। तो पहले यहां पूछा स्मृति क्या है, तो भाई उसकी अर्थ और परिभाषा, तो उत्तर भी वैसे ही ना, स्मृति क्या है, स्मृति एक मानसिक क्रिया है। इधर पूछा स्मृति क्या है, तो हम भी बताएंगे स्मृति एक मानसिक क्रिया है। याद रखिए, एग्जामिनर को खुश करना है ताकि वो आपको अच्छे नंबर दे, तो आपको जो आता है वो मत लिखिए, उसने जो पूछा है वो लिखिए। आपको आता है बहुत सारे स्मृति के कारण आते हैं, आपको स्मृति की विशेषताएं आती है, लेकिन वो मत लिखिए ना, क्या पूछा है, विशेषता पूछा क्या नहीं पूछा, स्मृति का आशय पूछा, तो पहले स्मृति का आशय बताइए ना, स्मृति क्या है, तो स्मृति एक मानसिक क्रिया बता दिया हमने, सामने वाला खुश हो जाएगा जब चेक करने जाएगा, तो जो पूछा है वही लिखा है भाई, तो अच्छा छात्र दे दो नंबर, तो यही होता है परीक्षा में। स्मृति एक मानसिक क्रिया है, स्मृति का आधार अनुभव है, स्मृति का आधार क्या है, अनुभव है। यहां पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनता है, याद रखिए,
इनका पुनर्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है, जैसी परिस्थिति होगी वैसा भाई इनका उत्पादन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के आधार पर हम लोग बहुत कुछ याद करते हैं, स्मृति में होता है, लेकिन जब परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा हॉल में बैठते हैं, तो प्रेशर इतना होता कि हम भूल जाते हैं, यानी कि परिस्थिति ऐसी डरावनी और भयानक होती है छात्रों के लिए कि भाई कुछ भी पढ़ा लिखा याद नहीं आता है। तो यही तो बोला गया है कि इसका उत्पादन जो है परिस्थिति के अनुसार होता है। वही अब घर में, अरे यार सवाल तो मुझे याद आ गया, एग्जाम हॉल से बाहर निकलो, अरे ये तो आता था मुझे फिर भी नहीं लिखा, भाई उस वक्त परिस्थिति ही वैसी होती कि हमारी स्मृति काम ही नहीं करती। ठीक है, तो पुनर्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है। हमारे बहुत से मानसिक संस्कार स्मृति के माध्यम से ही जागृत होते हैं। जी हाँ, हम जो बहुत से मानसिक कार्य करते हैं, सोचना, सपने देखना, ये सब कुछ हमारी स्मृति के आधार पर ही होता है। जी हाँ, कई बार हम बचपन का सपना देखते हैं, बड़े का सपना देखते हैं, तो ये सब हमारे स्मृति में अंदर संचय रहता है, हमारे मस्तिष्क में, उसी के अनुसार हम देखते हैं। और फिर एक और प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि भाई स्मृति के चार पद या खंड कौन से हैं, या स्मृति के पद कितने होते हैं, स्मृति के खंड कितने होते हैं, कौन से, लिखिए। एक और प्रश्न मैं यहाँ बता दे रहा हूं। तो भाई स्मृति के चार पद या चार खंड होते हैं, ध्यान रखिए, स्मृति के चार पद या फिर चार खंड होते हैं, कौन से, निम्न लिखिए, सीखना, धारण, पुनर्स्मरण, अभिज्ञान या अथवा पहचान। जी हाँ, फिर से बोल रहा हूं, सीखना, धारण, पुनर्स्मरण या फिर अभिज्ञान एवं पहचान। जी हाँ, तो ये चार इसके पद होते हैं, या फिर चार इसके खंड या चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहां पर आपके सामने मैंने दो से तीन चार प्रश्नों के उत्तर दे दिए और बता दिया कि उनका उत्तर कैसे लिखना है। तो इसी प्रकार के और भी फुल कोर्स के लिए, अगर आप चाहते हैं प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष सभी के लिए, तो मेरे पास सारे कोर्सेस अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं, ऐसे ही सभी प्रश्नों के, हर प्रश्न का, हर इकाई का, हर विषय का 10 से 12 प्रश्न ऐसे जिनकी पूरी पूरी संभावना पूछे जाने की, 85 से 90% जरूर पूछा जाएगा। तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिए और नंबर आपको दिया हुआ है, और वेरी लो कॉस्ट में आपको पूरा विषय मिल जाएगा। और तो और आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, और लाइक तो जरूर कीजिए वीडियो को अगर पसंद आया हो तो, और अपने दोस्तों और स्कूलमेट्स के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।